मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि टू मच और टू मेनी क्या है। आप कहते हैं इन दोनों वर्ड्स को लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। टू मच या टू मेनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, यानी इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा, यानी कोई चीज इतना ज्यादा है जो आपको पसंद नहीं है। इन दोनों के मीनिंग तो सेम होते हैं, बट इन दोनों में फर्क ये है कि टू मच का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, वहीं अगर बात टू मेनी की करें तो आप टू मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि प्लेट में बहुत ज्यादा चावल है, यानी कुछ ज्यादा ही चावल है, इतना ज्यादा है कि मुझे पसंद नहीं है, यानी जरूरत से ज्यादा है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज टू मच राइस ऑन माई प्लेट, यानी मेरे प्लेट में बहुत ज्यादा चावल है या हद से ज्यादा चावल है। अगर आपको कहना हो कि यहाँ बहुत ज्यादा पानी है, यानी हद से ज्यादा पानी है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज टू मच वाटर हियर, यानी यहाँ पर जरूरत से ज्यादा पानी है, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में बोला गया, इतना ज्यादा पानी है कि मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको कहना हो कि यहाँ बहुत कुर्सियां हैं, यानी कुछ ज्यादा ही कुर्सियां हैं या हद से ज्यादा कुर्सियां हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर आर टू मेनी चेयर्स हियर, यानी यहाँ बहुत ज्यादा कुर्सियां हैं। इस सेंटेंस में मैंने बहुत करीब बोला टू मेनी, क्योंकि चेयर था काउंटेबल नाउन, और जब आप बात काउंटेबल नाउन की करेंगे तो आप टू मेनी का यूज करेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा किताबें हैं, यानी हद से ज्यादा किताबें हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर आर टू मेनी बुक्स हियर, यानी यहाँ बहुत किताबें हैं, यहाँ बहुत बच्चे हैं, यानी जरूरत से ज्यादा बच्चे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर आर टू मेनी चिल्ड्रन हियर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि टू मच या टू मेनी का सेंस नेगेटिव होता है, यानी इसको नापसंद के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और इनका मतलब होता है बहुत ज्यादा या जरूरत से कहीं ज्यादा। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।